नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी घोषणाएं की, कई सारी सौगात दी प्रदेश के लिए। उनमें पहली घोषणा थी कि जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के जो इंतजाम हैं वो कुंभ की तर्ज पर किए जाने चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ जहाँ कांवड़ के शिविर लगेंगे, जहाँ से वो निकलेंगे, वहाँ पर मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो हेलीकॉप्टर से निगरानी करेंगे और साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी करेंगे कांवड़ में जाने वाले लोगों को लेकर। उसके साथ जो हुड़दंगी होते हैं और जो उपद्रव फैलाने की जो साजिश, उन्होंने कहा कि इस बार साजिश हो सकती है, तो उस साजिश को रोकने के लिए भी पुलिस को इंतजाम करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं और स्पष्ट कहा है कि जो शिवालय हैं जहां से कांवड़ जाएगी, उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है ये। इससे पहले जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो कांवड़ यात्रियों को उसे गुंडा बताया था और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कराने की बात कही थी और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की सरकार की, जिसने ये सब किया था। और उसकी वजह ये थी कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण से ज़्यादा प्रभावित सरकार चलाया करते थे। ये वही अखिलेश यादव थे जिनके ऊपर टोटी चोरी के आरोप लगे। खैर, वो अलग बात है कि चोरी तो उन्होंने गमला भी किया था, कमोट भी किया था, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की और उनके जो कामों से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आज उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की। 1076 के नाम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू की है। इसकी खासियत ये है कि ये 2400 घंटे ये हेल्पलाइन लगेगी, चलेगी, और इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज उन्होंने कहा कि इससे 500 नए युवाओं को मैंने रोज़गार देने के लिए ये कोशिश की है और इसका फ़ायदा हर उत्तर प्रदेश के निवासी को या उस व्यक्ति को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में आता है और उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस हेल्पलाइन के ऊपर आप किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी अनियमितता की, किसी भी अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत पर 3 से 4 दिन के अंदर उसको निपटा दिया जाएगा और वहाँ से फीडबैक कॉल भी आएगी और उस शिकायत के निवारण के बाद हर महीने करीब 100 ऐसी कॉलों को मुख्यमंत्री अब खुद फीडबैक जानेंगे, उनको फ़ोन करेंगे और अगर दोषी कोई अधिकारी पाया जाता है या उसमें कोताही बरती जाती है, कॉलर अगर उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। आज उन्होंने थानों के लिए भी विशेष बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको हर ज़िले में निर्देश जारी किए और उन्होंने कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी कि SP और SSP, वो अब हर दिन एक नए थाने का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद यानी कि 7 दिन में 7 थानों का निरीक्षण करने पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उन्हें हफ्ते भर के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी है, जिसके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं और वो जिस ताबड़तोड़ तरीके से नए नए घोषणा कर रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब उत्तर प्रदेश को वो उत्तम प्रदेश बनाकर ही दम लेंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी डाकुओं का राज चला करता था। इटावा, मैनपुरी ऐसे इलाकों में डाकुओं के बल पर बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और लोग बहुत परेशान थे। पूर्वांचल में भी बुरा हाल था, जातिगत समीकरणों से इतना बुरा हाल था कि लोग एक दूसरे से डरते थे, उसकी जाति देखकर उन घबराते थे, पुलिस तक घबराती थी। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल वहाँ इनके आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आया है, उस इतना बदलाव आया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खुश है। और उस खुशी में 1076 नाम की जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, अब वो हर ग्रामीण को, हर छोटे से तबके के व्यक्ति को ये मौका देगी कि वो अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री दरबार भी लगा करता था, लेकिन वहां तक जाना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, किराया भाड़ा खर्च करना पड़ता है। अब चूंकि सबके पास में अपने मोबाइल हैं और मोबाइल से केवल उसे 1076 मिलाना है,
अपनी शिकायत वहां पर पूरी तरह से दर्ज करानी है, और वहां से जैसा कि बताया गया कि करीब 80-85 हज़ार आउटबाउंड यानी कि इनबाउंड कॉल वहां आने की क्षमता है, और करीब 30-35 हज़ार इनबाउंड यानी कि जो आउटबाउंड कॉल होगी, शिकायतें 85 हज़ार तक पूरे दिन में आ सकती हैं और 35 हज़ार तक कॉल वहां से जा सकती है। तो सीधे तौर पर ये बहुत बड़ा इंतजाम किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और ऐसा होने से इसके रिजल्ट भी जल्दी ही आने लगेंगे। अब बात करते हैं आज जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया 2019 का, निर्मला सीतारमण ने आज संसद के अंदर आर्थिक सर्वे पेश किया, और इसकी जो बड़ी मूल बातें थी वो ये थी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो भारत का बढ़ के अब 412.9 बिलियन डॉलर यानी कि अरब डॉलर हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो डिपेंड करता है, उससे आयात निर्यात पर फर्क पड़ता है, और आयात निर्यात के आंकड़े भी जारी हुए हैं, उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि 18-19 में जो आयात और निर्यात के अंदर 17-18 में अंतर आ गया था 13% का, अब वो घटकर करीब 3% रह जाएगा, यानी कि आयात 15.4% रहेगा जीडीपी का और जो निर्यात है वो 12.5% रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। उसके साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन की बात की गई है, और खाद्यान्न उत्पादन में मामूली सा अंतर 17-18 से 18-19 के बीच में आएगा, जबकि बीच में कई सारे चीज़ें भी हुई हैं बारिश और उसको लेकर। तो निश्चित तौर पर इस बार जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो 283.4 मिलियन टन रहने की अनुमान है, यानी कि करीब 28.34 करोड़ टन का जो खाद्यान्नों का उत्पादन होने की उम्मीद जताई गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई दर है, जो मुद्रा स्फीति है, उसको कंट्रोल करने की बात जो मोदी सरकार ने पहली बार आने के बाद की थी, उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत हद तक उस पर विजय पा ली है। अगर देखा जाए तो 15-16 में उस महंगाई दर को उन्होंने मुद्रा स्फीति को 4.9% पर ला दिया था, उसके बाद 4.5% हुआ, 4.5% हुआ 16-17 में, 17-18 में ये 3.6% रही, और अब 18-19 में इसके 3.4% आने की अनुमान लगाए गए हैं इस आर्थिक सर्वे में। आपको याद होगा कि जब इस देश पर एक तथाकथित अर्थशास्त्री को हमने देखा था प्रधानमंत्री के रूप में, तब महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, 8% तक पहुंच गई थी, और कई बार तो वो 9% को भी छूने लगी थी। लेकिन अब इस देश में जब एक साधारण परिवार का व्यक्ति, एक मेहनत करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है, तब महंगाई दर को कितनी हद तक आधे तक उन्होंने लाने का काम किया है, जो बहुत बड़ी बात है। जो अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं, आर्थिक मामलों को जानते हैं, उन्हें पता है कि महंगाई दर कम होने से कितना बड़ा फायदा होता है आम आदमी का। राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, जो सरकार के आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसमें जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट बोला जाता है, उसको भी इस सरकार ने बहुत हद तक नीचे लाने का काम किया है। पहले जो ये 5-6% तक रहा करता था, अब वो 15-16 में 3.9% रहा था, 16-17 में 3.5% रहा, 17-18 में 3.5% रहा, और 18-19 में इसके 3.4% रहने के अनुमान है, यानी कि पिछले साल से भी कम। तो निश्चित तौर पर राजकोषीय घाटा कम होता है तो सरकार का ये होता है कि अब सरकार का जो बजट है वो घाटे का बजट नहीं है, वो लगभग इवन पॉइंट पर आता हुआ, संतुलन के पॉइंट पर आता हुआ नज़र आ रहा है। जीडीपी वृद्धि की अगर बात की जाए तो इस सरकार ने 15-16 में जो जीडीपी की दर हासिल की थी वो 8% थी, 16-17 में 8.2% थी, 17-18 में 7.2% थी, और 18-19 में इसके 6.8% रहने की उम्मीद है। उसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि 19-20 में हम 7% जीडीपी दर की ग्रोथ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसी बात पर कांग्रेस सरकार की आलोचना करती नज़र आती है, लेकिन वो भूल जाती है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी
तो जीडीपी की जो दर थी, ग्रोथ रेट जो थी, वृद्धि दर थी, वो 6 तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब वो पिछले जो 15-16 में 8.2% रही, उससे तुलना करके इसको कहते हैं कि ये कम हुई है, लेकिन वास्तव में ये इतनी अच्छी जीडीपी दर है कि बड़े बड़े देशों के, जो संसार के और भी देश हैं, उनमें 7% के आसपास जीडीपी दर नहीं रहता है, वो 5% के आसपास जीडीपी दर रहना भी बड़ा अच्छा माना जाता है। तो बहरहाल इन सब बातों के साथ साथ अगर कृषि की बात की जाए, तो कृषि में जो विकास है वो जीडीपी, कृषि की ग्रोथ रेट 2.9% रहने की संभावना है, उसमें उसके पीछे कई सारे कारण हैं। औद्योगिक वृद्धि दर में भी पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 1% की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। पिछले साल औद्योगिक के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ग्रोथ रेट था वो 5.9% था, इस बार ये 6.9% रहेगा। और सर्विसेज के मामले में जो ग्रोथ रेट का परसेंटेज है जीडीपी के, वो 7.5% रहेगा। उसके साथ साथ इस बार जिस तरीके से पिछले चुनावों के दौरान भी बात निकल कर ये आई थी कि कितने ज़्यादा रोजगार की बात को लेकर एनएसओ के आंकड़ों पर बात की गई थी, लेकिन आर्थिक सर्वे में स्पष्ट किया गया है कि जिस तरीके से मुद्रा लोन लेने वालों की जो तादाद है पिछले 5 सालों में 15 करोड़ रही है, उसकी वजह से जो डायरेक्ट टैक्सेज हैं यानी कि इनकम टैक्स वगैरह, उसमें 13.4% की वृद्धि हुई थी। निश्चित तौर पर अगर 13.4% की वृद्धि है तो रोजगार बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एनएसओ का जो आंकड़ा कहता है उसकी वजह ये रही कि जिस तरीके से सरकार ने मनरेगा जैसी स्कीमों के साथ आधार को लिंक करने पर जोर दिया, और उसके बाद मनरेगा में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन थे उन लोगों ने अपने नाम कटवा लिए, और उसकी वजह से देखने में ये आया कि मनरेगा के अंदर मजदूरों की संख्या घट गई, जिसको विपक्षी पार्टियों ने ये कहने की कोशिश की कि मनरेगा में बेरोजगारी बढ़ी, जबकि हुआ ये था कि वहाँ जो फेक या फर्जी मजदूर दिखाए जा रहे थे वो कम हो गए। और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मनरेगा में अपने आप को रजिस्टर करा चुके थे, लेकिन मुद्रा लोन के माध्यम से उन्होंने लोन लेकर अपने अपने उद्योग खोले। तो इस तरीके से जो रोजगारों का शिफ्टिंग हुई, यानी कि रोजगार एक से दूसरी जगह स्थानांतरित हुआ, उसकी वजह से भी ये देखने में आया। लेकिन जिस तरीके से ईपीएफओ के आंकड़े आए थे और दूसरे बैंकों के आंकड़े आए, उससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में जो रोजगार की दर है वो आंकड़ों में हो न हो लेकिन वास्तव में रोजगार बढ़ा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं मोबाइल फोन्स की बिक्री बढ़ी, और उसके साथ साथ कपड़ों की बिक्री बढ़ी, उसके साथ साथ बाइक्स की जो मोटर बाइक होती है, और ये सब तब बढ़ता है जब युवा रोजगार पाता है और उसके बाद वो इस पर खर्च करता है। तो सीधे तौर पर रोजगार के मामले में भी सरकार बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, और आर्थिक सर्वे भी यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसको लेकर एक और बात सामने आई है कि इस सर्वे में ये भी कहा गया है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट का अनुमान है, तो आने वाले वर्ष में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होने की उम्मीद इस सर्वे में बताई गई है। टैक्स कलेक्शन के मामले में भी इन्होंने कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसा टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस की बात की, 13.4% जो बढ़ा, उसके साथ साथ कारपोरेट जो टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीडीपी के जो अनुमान है उसमें, क्योंकि दरें कम हो गई हैं इसलिए कलेक्शन थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है। और वर्किंग फोर्स को उन्होंने कहा है कि अब जो आने वाले वर्ष में करीब 97 लाख युवा हर साल भारत की जो वर्किंग फोर्स है उसमें जुड़ेंगे, यानी कि वो जो उम्र है 18 साल से ऊपर की, जो कि श्रम करने के लिए लायक होती है, उसमें हर साल करीब करीब 97 लाख लोगों की वृद्धि हो रही है। उसी आधार पर सरकार अपनी नीतियां भी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इस पूरे सर्वे में एक बताई गई है कि 2050 तक भारत में भीषण जल संकट होने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं। वजह ये है कि जिस तरीके से जो भूजल है उसका अतिरिक्त दोहन हो रहा है, उसका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है,
और दूसरी तरफ जो वर्षा का जल होता है हम उसको अभी भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो उसको लेकर भी सरकार तमाम योजनाएं लेकर आ रही है जिससे कि जो वर्षा का जल है उसको रोका जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके और उसको प्रयोग में लाया जा सके, जिससे कि आने वाले वर्षों में पेयजल जैसी समस्याएं हमारे देश में पैदा न हो। तो निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वे के द्वारा सरकार ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है उसमें वो पूरी तरीके से पास हुई है और इसको 10 में से 9 अंक आसानी से दिए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।